तो हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर्स, मैं हूं आपका दोस्त मोनू एंड वेलकम इन मिस्टीरियस बुक चैनल। तो कैसे हैं फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। एक बहुत बड़ी खबर है सभी मिस्टीरियस बुक मेंबर्स के लिए। दरअसल मैं इस मामले में वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन कुछ दिन पहले हमें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों की ही बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मोनू भाई इस टॉपिक पे भी एक अलग से वीडियो होना चाहिए। तो मैंने सोचा आज समय निकाल के आपके लिए वह वीडियो बना ही देते हैं। तो दोस्तों, जॉन सीना के बाद हमें WWE हॉल ऑफ फेमर ने भी फॉलो कर लिया है ट्विटर पे। अब कौन है वो, चलिए जानते हैं मिस्टीरियस बुक के इस खास अंक में। तो देर किस बात की, सीधे खोलते हैं। तो दोस्तों, 16 बार के वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के बाद हमें सार्जेंट स्लाटर ने ट्विटर पर फॉलो किया है। लगता है सार्जेंट सर को हमारा कार्य काफी पसंद आ रहा है। चलिए इनके बारे में आपको जानकारी भी देते हैं। सार्जेंट स्लाटर का असली नाम रॉबर्ट रीमस है। ये वर्तमान में भी WWE के साथ एम्बेसडर कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षरित हैं। ये 19 जुलाई 1980 को WWE में आए थे। उस समय WWF का जमाना था। इन्होंने उस समय बॉब बैकलैंड, हल्क होगन जैसे दिग्गज रेसलरों के साथ काम किया था। इन्होंने रॉयल रंबल 1991 में दिग्गज रेसलर अल्टीमेट वॉरियर को हराकर WWE चैंपियनशिप पर कब्जा भी किया था। अपने समय में यह फैंस के काफी ज्यादा पसंदीदा थे, क्योंकि इनमें सारे के सारे गुण एक आर्मी अफसर की तरह थे। तो ये हैं दोस्तों सार्जेंट स्लाटर, जो WWE हॉल ऑफ फेम के सम्मान से भी सम्मानित हैं, और इन्हें भी हमारा शायद हो सकता है रेसलिंग का जो भी हम वीडियो बनाते हैं यह बहुत ज़्यादा पसंद आया हो, इसीलिए इन्होंने हमें ट्विटर पे फॉलो किया हो। तो आप लोग भी जाके हमें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्द मिलते हैं, तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।